हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो मैंने अपने ड्राइंग स्टूडियो से रिकॉर्ड करने के लिए नया सेटअप बनाया। पहले मैं इस फ्लेक्सिबल टेबल स्टैंड से वीडियो को रिकॉर्ड करता था, बट इससे वीडियो एकदम सिकी बनती है, आप जानती हो अगर यूज़ करते होंगे तो मैंने सोचा कि नया सेटअप बनाया जाए। तो मैंने सरदोस्ती का वीडियो देखा था जिसमें लकड़ी का यूज़ करके ट्राईपॉड पे रख के वीडियो से रिकॉर्ड करते थे। मैंने सोचा कि वैसे ही कुछ लकड़ी का यूज़ किया जाए, तो मैंने उस लकड़ी का यूज़ कैसे किया इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यही है फ्रेंड्स, मैं छोटा सा किचन जहाँ पे बैठ के मैं ड्राइंग को रिकॉर्ड करता हूँ एंड ड्राइंग बनाता हूँ। वहाँ विंडो से थोड़ी सनलाइट आती है एंड यहाँ बैठ के मैं रिकॉर्ड करता हूँ। एंड ये लकड़ी है जिसे 80 रुपये इसमें बनवा के लाया हूँ मैं, 6 फीट की है। तो यहाँ पे मैंने अपना जुगाड़ करके इसे रखा हूँ। मैंने ऊपर भी रखा था बट ऊपर ज़्यादा ही ऊपर हो रहा था तो मैंने नीचे रखा थोड़ा। एंड सौरभ भाई ने ड्राइंग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उसे ट्राईपॉड पर रखा था लकड़ी को, बट घर में जिस टाइप से बना है उस टाइप से मैंने अपना जुगाड़ करके बनवाए इसे। एंड इस लकड़ी के बीच में होल भी बनवाया मैंने। यहाँ पे मैं कैमरा रख सकता हूँ अपना, मतलब मोबाइल रख सकता हूँ। बट यहाँ पे हल्का सा आइट साइड आप देख सकते हो ठीक नहीं आ रहा है, ऐसा इसके होल को शायद बड़ा करवाना पड़ेगा। तो इसे साइड में भी रख सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं कि यहीं पर रखें, एक बार साइड में भी रख लेते देखते कैसा होता है रिकॉर्ड। तो साइड में मैं रख देता हूँ अब। ये परफेक्ट है, तो ऐसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं। एंड वीडियो ज़्यादा सिकी भी नहीं बनेगी, पंखा चालू रहेगा फिर भी, क्योंकि जब मैं फ्लेक्सिबल टेबल स्टैंड यूज़ कर रहा था तब जब फ़ैन चालू करता था मैं, तो फैन के हवे से भी वो बहुत हिलता था, तो इसलिए मुझे फ़ैन बंद करके बनाना पड़ता था ड्राॅइंग। एंड इतनी गर्मी में पूरा पसीना हो जाता था ड्राॅइंग बनाते बनाते, तो ये इसीलिए मैंने इसे सोचा कि अभी तुरंत जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ मैं। एंड ये मेरा कमीशन वर्क, आप देख सकते हो कैसा बना है, मैंने आज ही फिनिश किया इसे। सो इसी कारण मैं ड्राइंग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कमीशन वर्क बहुत ज़्यादा आ रहे थे। एंड सेटअप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड यूट्यूब से बहुत हेल्प एंड आइडियाज़ मिलते हैं, सो यूट्यूब देखते रहे, सीखते रहे एंड ऑफकोर्स सिखाते भी रहे। एंड हाँ, इस वीडियो में बताने के लिए ये भी है कि मैंने बीच में आपको पता होगा रेडमी नोट 7 प्रो परचेज़ किया था सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ड्राइंग वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। बट उसमें ड्राइंग वीडियो एकदम अजीब रिकॉर्ड हो रही है, एकदम शार्पनेस ज़्यादा आ रही है, सो मैंने उसे सेल कर दिया है। एंड कुछ दिन में मैं दूसरा मोबाइल देख रहा हूँ उसे लूँगा, उसके बाद वीडियो अच्छे से बनाऊँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।